एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है और कई झूठे दावे उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खारिज हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, टीवी सीरियल अली बाबा की अभिनेत्री तुनिशा शर्मा ने बीते दिन टीवी सेट पर ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद पुलिस ने उनके को स्टार शीजान खान को गिरफ्तार कर लिया है। तो अभिनेत्री तुनिशा शर्मा के मामा पवन शर्मा ने कहा कि घटना के बाद से परिवार के सदस्य गहरे सदमे में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि तुनिशा के साथ रिश्ते में रहने और साथ रहने के बाद भी शीजान कई लड़कियों के संपर्क में रहता था, इससे तुनिशा तनाव में आ गई और उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो तुनिशा शर्मा के सुसाइड की खबर से इंडस्ट्री में भी हर कोई सन रह गया है। वहीं पुलिस ने एक्ट्रेस के कथित बॉयफ्रेंड शीजान खान को 4 दिन की कस्टडी में लिया है। अब एक्ट्रेस सारा खान ने कथित तौर पर शीजान खान पर निशाना साधते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया है और सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि कुछ लोग दूसरों की भावनाओं के साथ क्यों खेलते हैं, जब वे जानते हैं कि यह उनके मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर सकता है। और तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में पुलिस ने लव जिहाद के एंगल को सिरे से खारिज कर दिया है और प्रेगनेंसी को भी एक अफवाह बताया है।